आप में से कितने लोगों ने दाढ़ी और मूंछों की ग्रोथ करने के लिए टीवी पर एड देख के, स्टारों के प्रमोशन देख के या और न्यूज़ देख के कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है कभी, और उसके बाद आपको ऐसा लगा है कि यार मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना था, इससे मेरे पैसे फालतू चले गए। तो अगर आपने भी ऐसा किया है तो आज मैं आपको सही प्रोडक्ट भी बताने वाला हूँ कि आप आपकी बियर्ड की ग्रोथ करने के लिए कौन सा सही प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको टीवी एड और जो प्रमोशन वगैरह बड़े बड़े स्टार्स जो प्रमोशन करते हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या होती है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। सो हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप में से लगभग ऐसे 100% लोग होंगे जो टीवी एड देख के, बड़े बड़े स्टारों के प्रमोशन देख के, जैसे कोई बियर्डोल्स का प्रमोशन कर रहा है, कोई मिनोक्सिल का कर रहा है, कोई कैप्सूल्स, टैबलेट्स, मिनोक्सिल, जो भी कुछ प्रोडक्ट मिलता है, मिनोक्सिल के बहुत सारे सीरम होते हैं, बियर्डोल्स बहुत सारी कंपनियों के होते हैं, कोई अलग स्टार कोई अलग जो बियर्डोल्स है उसका प्रमोशन कर रहा है, कोई दूसरा स्टार दूसरे बियर्डोल्स का प्रमोशन कर रहा है, तो उसको देख के आपने भी सोचा यार मेरे भी ये प्रॉब्लम है तो मैं भी इस पर ये प्रोडक्ट यूज़ करूँ। लेकिन फिर बाद में आपने सोचा कि यार इस पर तो वर्क ही नहीं कर रहा, मेरे जो प्रॉब्लम्स है वो सही नहीं हो रही, उसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ये ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मैं एक कंपनी हूँ, मैं जैसे कि मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया। कैसे बनाया प्रोडक्ट? के 10 रुपये का सरसों तेल ले लिया, 10 रुपये का कोकोनट ऑयल ले लिया, 10 रुपये का अरंडी तेल ले लिया, 10 रुपये का मैंने और कुछ ले लिया जिससे कि बियर्ड ग्रोथ हो, और 10 रुपये का मैंने EBM का कैप्सूल उसी में डाल दिया, और एक पैकेज में आपको एक बियर्डोल्स मैंने तैयार कर ली, 5 बियर्डोल्स जो कि एक घरेलू उपचार होते हैं, होम ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसको मैंने 5 ऑयल को मिक्स करके और थोड़ी सी उसमें खुशबू डाल के, उसमें थोड़ा सा कलर डाल के एक बियर्डोल बना दिया। 50 रुपये का मैंने बियर्डोल्स बनाया और उस पर मैं अपने नाम का लेबल लगा के मार्केट में बेचूंगा। बेचने से पहले अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं तो मैं एक ऐसे स्टार को हायर करूँगा जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो स्टार मेरे से पैसे लेगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग जितने भी पैसे लेगा तो वो लेगा और वो उसका प्रमोशन कर देगा, जिससे कि आप जैसे लोग जाके, मेरे जैसे लोग जाके उसको देखते हो कि भाई ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। स्टार को पैसे मिल गए, वो पैसे लेकर दूर हट गया, वो उसको ट्रीटमेंट्स वर्क करे ना करे वो एक अलग मैटर है। तो इस पर आपने सोचा है कि मैंने ये बियर्डोल्स लिया है, इस स्टार ने कभी भी यूज़ नहीं करते, कोई भी स्टार होता है कभी भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, अगर वो पानी भी किसी कंपनी का लेंगे तो उसको दूसरा पानी डाल के उसको पियेंगे और प्रमोशन किसी और दूसरी चीज़ का करेंगे, क्योंकि वो खुद बिलीव नहीं करते हैं। ऐसा मैंने भी किया है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपको 50 रुपये की चीज़ 500 रुपये में बेची जा रही है और वर्क वही करती है जो 10 रुपये वाली चीज़ करती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा केमिकल मिला के, थोड़ा सा अलग सॉल्यूशंस बना के, तो वो ख़राब होने लग जाता है। अगर आपने एक सरसों में से सरसों का ऑयल निकाला और अगर वो प्योर है तो भला उसको 5 साल रखो, 10 साल रखो, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर उस सरसों के ऑयल में आप कोई केमिकल डाल दोगे तो हफ्ते दो हफ्ते या 1-2 महीने में वो ख़राब होने लग जाता है, इसलिए उसमें एक्सपायरी डेट आती है। आप कभी भी कोकोनट ऑयल लेके आना, आप कभी भी सरसों तेल लेके आना, उसमें कभी भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, और जो बियर्डोल्स होते हैं उसमें एक्सपायरी डेट होती है कि आपको 3 महीने के अंदर यूज़ करना है, 6 महीने के अंदर यूज़ करना है, ताकि लोग उसको ज़्यादा परचेस कर सके। लेकिन जो वो बियर्डोल्स होते हैं, जो मिनोक्सिल होते हैं, जो वही काम करते हैं जो कि एक 10 रुपये वाला तेल करता है, तो आप इसके अंदर डीपली समझिए, इसके अंदर आप गहराई से समझेंगे तो आपको आसानी समझ में जाएगा। मैंने इसके अंदर काफ़ी अच्छे से समझा है। अगर आप एक कोकोनट ऑयल यूज़ करोगे 20 रुपये का, बड़े से बड़ा 20 रुपये का आता है जो कि 1-2 महीने आराम से हो जाता है, उस कोकोनट ऑयल को आप एक फेस पे लगा कर देखें और एक महंगा वाला बियर्डोल्स 500 रुपये वाला उसको दूसरे फेस पे लगा कर देखें, जहाँ तक मुझे पता है कोकोनट ऑयल आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि उसमें केमिकल नहीं होता है और नुकसान 0% करेगा। बियर्डोल्स वगैरह जो होते हैं उसमें केमिकल होता है, जिससे कि आपको नुकसान हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये दो अंतर आप खुद देख सकते हैं, 20 रुपये की प्राइस, 500 की प्राइस। 20 रुपये वाला ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देगा और ज़्यादा अच्छा देगा, क्योंकि उसमें केमिकल कम है, केमिकल बहुत सस्ता पड़ता है, जैसे कि आप कुछ भी उठा के बेच सकते हैं, और जो होम ट्रीटमेंट्स होता है अगर आपको वही लेवल लगा के बेचेंगे तो आप ये सोचेंगे यार ये तो मुझे 20 रुपये का ही मिल रहा है। तो प्रमोशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, इन सब का खर्चा काट के, इनके मार्केटिंग करके वो आपको 50 रुपये की चीज़ 500 रुपये में बेचते हैं। तो अभी आपने देखा होगा आदिवासी हेयर ऑयल जो है काफ़ी ट्रेंडिंग में है, हर एक यूट्यूबर, हर एक इन्फ्लुएंसर जो है वो उसका प्रमोशन कर रहा है। आप खुद सोचिए, बड़े से बड़ा स्टार
जो वहाँ तक मेहनत करके पहुँचा है, तो क्या वो फ्री में प्रमोशन करेगा? आपने बहुत सारे ऐसे ऐड देखे होंगे जिसमें कि भाई बड़े बड़े यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर उसका प्रचार कर रहे हैं, वहाँ जा जाके वीडियो बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पैसे लिए तभी वो वहाँ पे पहुँचे। फ्री में तो कोई नहीं जाएगा, अपना खर्चा लेके अपना खर्चा काट के वहाँ पे जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ब्रांडिंग मैटर करती है, लेकिन जो आदिवासी हीरोइन है वो दावा कर रहे हैं कि हम प्राकृतिक जड़ी बूटी से बना रहे हैं, यानी वो केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जो 500 की प्राइस में आपको केमिकल बेच रहे हैं उसको आप छोड़ें, जो आपको होम ट्रीटमेंट्स बेच रहा है उस पर आप ज़्यादा बिलीव करें। मेरे अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं करना है, एक सरसों का ऑयल यूज़ करना है या फिर एक कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, जिससे कि आपकी फर्स्ट बियर्ड ग्रोथ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो सस्ते ट्रीटमेंट पर बिलीव नहीं करती, वो स्मार्ट बनने के लिए या फिर ज़्यादा पैसे की धौंस दिखाने के लिए वो ज़्यादा महंगे ट्रीटमेंट्स करते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग गलत है। बट हाँ, कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा सही है, लोग आजकल दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आपने इस वीडियो में देखने को मिला होगा कि जो देसी ऑयल हैं, जो होम ट्रीटमेंट्स वाले ऑयल हैं, उन्हीं के ही बियर्ड ऑयल्स बना के बेचे जा रहे हैं। इस पर आप ध्यान दें, मेरा काम था, मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह बनाए, बट उसके पीछे की सच्चाई मैंने शायद नहीं बताई, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ। सो आइए, भी वीडियो आपको अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़।